सी आई ई -E टी एन सी ई -E आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का का सत्र पाठ चिट्ठी आई है यहाँ एक चिट्ठी का चित्र है ये चित्र रीना की एक चिट्ठी है जो उसने अहमद अली को लिखी है चिट्ठी में लिखा है अहमद तुम बताओ कैसे हो हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे सभी बड़ों को प्रणाम तुम्हारी रीना और अहमद अली का पता है अहमद अली मकान नंबर पंद्रह ब्लॉक सी मालवीय नगर नई दिल्ली तो आप सुनते हैं पाठ मैं हूँ एक चिट्ठी कागज़ कलम से लिखी चिट्ठी जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी मुझे पत्र पेटी में डाला डाकिए ने मुझे निकाला और निकाल कर एक बड़े से थैले में डाला मैं हो गई डाकिए की साइकिल पर सवार और पहुंची डाक घर। वहाँ मुझे थैले से निकाला और निकाल कर एक जोर का ठप्पा लगाया ठप्पा था अगरतला का जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ ठप्पे के बाद पहुँची मैं दूसरे बड़े थैले में इसमें थी अनेक वो चिट्ठियाँ जो जा रही थी दिल्ली डाकघर की लाल गाड़ी से पहुँची मैं रेलवे स्टेशन वहाँ मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में पाँच छः दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं दिल्ली पहुँची वहाँ के डाकघर के पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छटाई और फिर लगा ठप्पा इसके बाद डाकिए ने मुझे पहुंचा दिया अहमद के घर यहाँ रीना की चिट्ठी के सफ़र को चित्रों में दिया गया है पर ये क्या सारे चित्र आगे पीछे हो गए हैं चित्रों का सही क्रम बताओ पहला चित्र है रीना चित्र को लेटर बॉक्स में डाल रही है दूसरा चित्र है डाक घर में डाकिया चिट्ठी पर ठप्पा लगा रहा है तीसरा चित्र है चिट्ठी को दिल्ली वाले थैले में रखा गया है चौथा चित्र है रीना चिट्ठी लिख रही है पांचवा चित्र है डाकिया चिट्ठियों की छटाई कर रहा है छठा चित्र है डाकिया चिट्ठी को घर पर पहुंचा रहा है अहमद के घर पर अगले चित्र में डाकघर में एक महिला चिट्ठियों के अलग अलग ढेर बना रही है आखिरी चित्र में अहमद चिट्ठी को पढ़ रहा है एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी अब एक चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम जरूर लिखना सबने चिट्ठी लिख दी पर डालेंगे किस में चलो कक्षा के लिए एक पत्रपेटी बनाएं। एक जूते का खाली डिब्बा लो डिब्बे पर लाल रंग करो या लाल कागज चिपका दो अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटो कि चिट्ठी अंदर जा सके लो हो गई तैयार पत्रपेटी तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी इसके अंदर डाल दो और इंतज़ार करो अपनी अपनी चिट्ठियों का अब एक बच्चा डाकिया बने वह पत्र पेटी से चिट्ठियाँ निकाले और सब बच्चों को बांटे। अच्छा लगा दोस्त की चिट्ठी पढ़कर, जैसे तुमने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी वैसे ही तुम्हारे घर पर भी रिश्तेदार और दोस्त चिट्ठियाँ भेजते होंगे तुम घर से कुछ चिट्ठियाँ लाओ और देखो देखा कितनी अलग अलग प्रकार की चिट्ठियाँ होती हैं तुम्हें इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई दिया किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं क्या सभी टिकट एक जैसे हैं उनमें क्या क्या अंतर हैं क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है कुछ अलग अलग तरह के टिकट इकट्ठे करके चिपकाओ तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे दोस्त के पास कैसे पहुंची? क्योंकि लिखा था उस पर उसका नाम उसका पता यहाँ एक पोस्ट कार्ड का चित्र है तुम भी अपना पता लिखो रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुँच गई पर जब रेलगाड़ियाँ नहीं थीं, तो दूर जगहों पर चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थीं डाक घर की सैर अगर स्कूल या घर के पास डाक घर हो तो वहाँ जाकर देखो कि चिट्ठियाँ कैसे आती जाती हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं उनकी क्या कीमत है रीना ने जो पोस्टकार्ड उपयोग किया क्या तुम उससे भारत के बाहर अपने दोस्त को संदेश भेज सकते हो डाक घर में अन्य क्या क्या काम होते हैं पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थीं? बच्चों को बुज़ुर्ग से पता करने को कहें रज़िया और उसकी आपा आपस में बात कर रही हैं रज़िया कहती है जानती हो आपा आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफ़र के बारे में सीखा मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूँगी आपा बोली, तुम चिट्ठी लिखो मैं जा रही हूँ उन्हें फ़ोन करने चलना है तो चलो ये क्या रजिया और उसकी आपा चिट्ठी को लेकर क्या बात कर रहे हैं रज़िया और आपा निकल पड़ी फ़ोन करने गांव की एक दुकान पर आपा ने फोन का नंबर लगाया दोनों ने नानी से बातें की दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी घर लौट आई तुमने फ़ोन कहाँ कहाँ देखा है तुम फ़ोन पर किस किस से बात करते हो तुम्हें चिट्ठी लिखना या फ़ोन करना दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है फ़ोन भी अलग अलग तरह के होते हैं तुमने जो फ़ोन देखे हैं उनका चित्र बनाओ इन टेलीफोन से क्या क्या काम हो सकते हैं अपना फ़ोन बनाओ इसके लिए चाहिए दो माचिस की खाली डिब्बियाँ या आइसक्रीम के कप और धागा दोनों माचिस की डिब्बियों में छेद करो एक डिब्बी के छेद में से धागा निकालकर गांठ बांध दो धागे का दूसरा सिरा दूसरी डिब्बी के छेद में से निकालकर कर गांठ बांधो बन गया तुम्हारा अपना फ़ोन अपने एक दोस्त को फोन का एक सिरा कान में लगाने को कहो और दूसरा तुम अपने मुंह पर रखो ध्यान रहे कि धागा खींचा रहे कहीं छुए ना शुरू करो अपनी बातें तुम अपने लिए एक फोन डिजाइन करो इसकी खास बातें बताओ हमने चिट्ठी भी लिखी फोन भी किया बताओ कि चिट्ठी और फोन में कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी अलग यदि डाकघर ना हो तो संदेश पहुंचाने के और कौन कौन से तरीके हैं चिट्ठी आई है अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का ये पाठ प्रस्तुति सी आई ई टी -E एन सी ई आर -E टी नई दिल्ली भारत